दोस्तों YouTube में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जो कि आपको समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज आपको हम बताने वाले हैं, तो दोस्तों देख रहे हैं ये पीसीबी बोर्ड है जो कि इसको हम लोग कंपोनेंट इसको चेक करेंगे, कंपोनेंट कैसे चेक करना है और इसको देखेंगे कौन सा कंपोनेंट अच्छी है कौन सा कंपोनेंट खराब है। तो दोस्तों हम मल्टीमीटर ले लिए, अब इससे हम चेक करेंगे इसको रेजिस्टेंस डायोड और के रेंज में रख के हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं हम टेस्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों इसको चेक करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इसकी जो है प्रोब की जो पॉइंट है वो पॉइंट पहुंच नहीं पा रही है, तो ये चेक करने में दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए दोस्तों ये मीटर का यूज करना एसएमडी के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो फ्रेंड इसको चेक करने के लिए एक स्पेशल मीटर होता है जो कि एसएमडी टेस्टर कहते हैं, मैंने वो परचेज की है और इससे मैं काम कर रहा हूँ, इससे काम करने में बहुत सुविधा मिल रही है। दोस्तों देख रहे हैं आप, ये है एसएमडी टेस्टर, एसएमडी टेस्टर है, इससे आप एसएमडी जो भी कॉम्पोनेंट वगैरह चेक कर सकते हैं और इसमें फंक्शन बहुत सारे हैं। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने के लिए देखिए, इसमें स्मार्ट एसएमडी टेस्टर कहते हैं इसको और ऑटो पावर ऑफ है, इसको आप एक बार ऑन कर देंगे और काम करने के बाद में इसको रख दे रहे हैं बंद नहीं करके, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये बंद हो जाने से फायदा ये होगा कि आपकी बैटरी डाउन नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम लोग इसको कैसे चलाएंगे इसके बारे में आपको बताएंगे हम। तो सबसे पहले हम इसमें यूजर मैनुअल देख लेते हैं, इसकी ये यूजर मैनुअल है। तो इसमें फंक्शन जो है मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ फंक्शन क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ऑन करेंगे, तो इसमें पहले हम लोग फंक्शन वाले बटन को दबाएंगे, ये ऑन हो गया, देख रहे हैं आप ये ऑन हो गया, एसटीसी कंपनी का है ये। अब हम लोग देख रहे हैं आप इसमें ऑटो में, अगर ऑटो में इसको देखेंगे, देख रहे हैं आप, तो ऑटो में कोई भी सामान चेक करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए देखिए ऑटो में रखे हैं आप और डायोड को चेक करेंगे हम, देखिए ये डायोड हो गया, तो इसमें सिंबल दिखा रहा डायोड का, देख रहे हैं आप इसमें सिंबल दिखा रहा डायोड का, तो ये डायोड का सिंबल ऑटोमेटिकली हो जाता है और ये डायोड चेक कर रहे हैं ये बता भी देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कॉम्पोनेंट है इसको आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि वो क्या चीज है। तो ऑटो स्केल में रख के मान लीजिए हम एक रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, देखिए आप रेजिस्टेंस चेक कर देते, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.4 का रेजिस्टेंस का सिंबल भी आ जा रहा है, तो इससे आप रेजिस्टेंस कैपेसिटर डायोड चेक कर सकते हैं, इंडक्टर चेक कर सकते हैं इससे। तो दोस्तों अब ये हो गया, अब हम लोग चलते हैं फंक्शन में, और फंक्शन जाएंगे आप तो ऑटो रेजिस्टेंस है, अगर आप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस बता देगा आपका कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं आप 0.2 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे तो आपको बता देगा ये रेजिस्टेंस कितनी है, 43 के का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो दोस्तों इससे आप चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। और इस मल्टीमीटर से चेक करने में दिक्कत होती है क्योंकि इसकी जो पॉइंट है नोखिला नहीं है, नोखिला नहीं है, इसे टेस्ट करने में आपको दिक्कत होगी, इसे पॉइंट नोखिला है। इसे एलईडी आपका चेक कर रहे हैं आप, एलईडी बल्ब, तो इससे बहुत बेहतर से आप चेक कर सकते हैं क्योंकि एलईडी बल्ब की जो पॉइंट होती है कम होता है, ये नोखिला जो पॉइंट है इसे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों डायोड देख लिए आप, रेजिस्टेंस चेक कर लिए, और कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर अगर चेक करना है तो ऑटो में रख के चेक कर सकते हैं या फिर आप इसमें मैनुअली इसको सेटअप कर सकते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे आप, ये हो गया कैपेसिटर चेक करने के लिए, तो कैपेसिटर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए देखा माइक्रोफैराड में आ गया ये 4.27 माइक्रोफैराड, यानी कि 4700 माइक्रोफैराड होगी ये,
ये देखिए इसमें दिखा रहा है 4700 माइक्रो फैराड है, तो इसे आप चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं, बिना खोले चेक कर सकते हैं, उसके अंदर रहेगा तभी भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑटो पावर ऑफ है, अगर आप इसको मैनुअली ऑफ करना चाहते हैं तो इसको कैसे ऑफ करेंगे, इसको जो है फंक्शन जो बटन है इसको आप थोड़ा दबा के रखिएगा, ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये है SMD टेस्टर जो कि STC कंपनी का है, इसे आप रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, बैटरी तक भी चेक कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों ये इसका जो Amazon में मिल जाएगा ये 2600 रुपया इसमें MRP है, लेकिन ये इसको परचेज करेंगे तो 1800 के लगभग ये मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।